हेलो एवरीवन, मैं हूँ रश्मि और स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल रश्मीज़ वर्ल्ड में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हरे मूंग का चीला बनाने की रेसिपी। इसको बनाने के लिए मैंने लिया था हरा मूंग और इसे रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। इसे आप मूंग की दाल से भी बना सकते हैं। अब इसे अच्छे से धो लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे। 3 से 4 घंटे में भी मूंग अच्छे से फूल जाती है, तो 3 से 4 घंटे भिगोने के बाद भी आप इसे बना सकते हैं। अब इस घोल में मैंने डाल दिया है कटी हुई शिमला मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च, प्याज कटे हुए, धनिया की पत्तियाँ और लहसुन कूट के। लहसुन डालना ऑप्शनल है, आप अदरक भी डाल सकते हैं। फिर इसमें मैंने डाल दिया है अजवाइन और नमक स्वाद के अनुसार। आप चाहे तो ऐसे गाढ़े घोल से भी चीला बना सकते हैं, लेकिन वो फिर बहुत क्रिस्पी नहीं बनेंगे। मैंने इसमें डाल दिया है पानी और पानी डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अब मैंने एक तवा गर्म कर लिया था, तवे पे थोड़ा सा तेल डाल के और उस पर पानी का छींटा दे के उसे कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया था। अब इस पर डाल देंगे चीले का घोल और इसे फैला देंगे। इसमें पड़ी है सब्जियाँ, तो ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनेगा। जब एक तरफ से हल्का सिक जाए फिर इसमें डालेंगे तेल और इसे पलट लेंगे और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लेंगे और ये हमारा चीला बनके तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही पौष्टिक है, सुबह नाश्ते में भी आप इसे बना सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।